What's up guys, Sanjot Keer here. Welcome to the finale episode of BB Now Presents Chef It Up Season 2. And today in this episode, I am with one of India's finest comedians. I am India's top number one all Asia cuisine expert culinary genius. And I'm here to destroy Sanjot Keer and your food lab. If there's any debate about who's number one chef in India, I've come to settle that today. Tanmay, it's a pleasure having you in the YFL kitchen. It is a pleasure to be here and it'll be a pleasure to show you who's the real boss. Time will tell, bro. Time will tell if you are able to chef it up. I hope so too. And by the end of this episode, one lucky viewer is going to get a chance to win a voucher worth 25,000 rupees. That's insane. Are you ready to chef it up? I am ready to chef it up. Let's do this. मैं कुकिंग करने से पहले सारे इंग्रेडिएंट्स मंगवाने हैं जो मैं हमेशा बीबी नाउ से ऑर्डर करता हूँ। बिग बास्केट हैज एन इंस्टेंट डिलीवरी सर्विस कॉल्ड बीबी नाउ और ये बस 15 टू 30 मिनट्स में इंस्टेंट डिलीवरी करते हैं। बीबी नाउ से आप क्वालिटी कुकिंग एसेंशियल्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक स्टेपल्स, स्नैकिंग एसेंशियल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, गॉर्मे मीट एंड मच मोर ऑर्डर कर सकते हो एट द लोएस्ट प्राइजेस एंड माई ग्रोसरीज गेट डिलीवर्ड इन टाइम एवरी टाइम जस्ट विद इन 15 टू 30 मिनट्स। तो तन्मय, हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स फटाफट डिलीवर हो गए हैं। We are all set. All set. We are going to cook three different kinds of eggs. Pehla wala basic wala masala omelette. Second, intermediate level hai. We are going to poach eggs. Easy. And the third one is expert level, which is Tanmay Bhatt level. Classic French omelette. Ye tino to mujhse ho jayega. Bas fertilize karna nahi aata hai. You don't have Naveed today with you to help you cook. That is unfortunate. Guys, le aao. Ye beech mein aane wala hai. Yes. तो मैं तुझे देख नहीं पाऊंगा? नहीं. Oh, I'm not concerned with that. I'm an expert. I'll figure it out. No winners or losers. We just want to see if you can chef it up and if you could catch up with my speed. No winners, but loser का I can't say. मसाला ऑमलेट बना रहे हैं. आधा प्याज कट करना है. We'll just get rid of the top of the onion. Onion का shape put. बारीकी से chop. बहुत आवाज आ रहा है तेरे यहाँ से. तू काट रहा है क्या? हाँ, काट रहा हूँ. ये मेरे को लग रहा है साइड पे हो रहा है. बहुत काट रहा हूँ मैं भाई. So just take half a tomato. और टमेटो का शेपुट का क्या करना है? टमेटो की आँख होती है, शेपुट नहीं होता. आँख ही निकाल दो उसका. And then you need to finely chop the chili as well. इसका भी कुछ है आँख, किडनी, ऐसा कुछ अलग-अलग. इसका भी शेपुट है. तीनों आ गया, क्या लग रहा हूँ मैं, माशाल्लाह. Now you need to take the eggs. हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 6 अंडे हैं. 2 अंडे का मसाला ऑमलेट बनने वाला है. एक अंडा पोच करेंगे और 3 अंडों का फ्रेंच ऑमलेट बनेगा. और अंडे है नहीं हमारे पास यहाँ पर, उसको गिरा नहीं सकते. अरे पर कुछ हो गया तो फिर फटाफट बीबी नाउ से ऑर्डर कर सकते ना? यस, आ जाएगा ना? यस, आ जाएगा 15 से 30 मिनट में. 2 एग्स बोल के अंदर क्रैक करके. ये बोल पहले गरम नहीं करना है? बोल नहीं गरम करना है. सो जस्ट सीजन द एग्स विद सम सॉल्ट एंड देन देयर इज अ मसाला बॉक्स. उसमें से यू नीड टू पुट अ पिंच ऑफ सॉल्ट. नहीं मिल रहा मेरे को. उसके बाद एक मसाला बॉक्स है. एक मिनट, सॉल्ट कितना डालना है? स्वाद अनुसार, टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट. अभी एक मसाला बॉक्स पड़ा है. अरे बाप रे, इसके अंदर जेवर होना चाहिए भाई. उसके अंदर जेवर ही है, मसाले हमारे जेवर है. पिंच ऑफ रेड चिली पाउडर इन द पिंच. इसमें दो दो रेड है. कौन सा रेड? ब्राइट वाला. दोनों ब्राइट है, इसमें से कौन सा वाला? जो मर्जी हो डाल दो. एक चुटकी गर्म मसाला और एक चुटकी कोरिएंडर पाउडर और फोक लेकर अंडों को फेंटना है. डू यू नो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम यू आर फॉलोइंग माय इंस्ट्रक्शंस टू कुक अ रेसिपी? Really? I followed instructions before? Yes. When? Lockdown में जब आप बहुत सारा खाना बना रहे थे, vlogs बना रहे थे. हाँ. You had made a paneer chili video with Naveed. I was watching your video? Yes. और जो वो paneer chili video की. Sorry यार. हमें एक बार बिना पर्दे के भी खाना बनाना पड़ेगा. ठीक है, सब सीख लेंगे, टेंशन नहीं. Eggs are done. हाँ. Switch on the flame. अबे flame on कैसे करते हैं? पूरा ignition तक लेके जाऊँ? हाँ, पूरा ignition तक. It'll make a sound. जोर से. It should click in the end. अरे बस करके साउंड आ रहा है. अरे नहीं, वॉशरूम जा रहा है. अरे आग लग जाएगी. ओके, मुझे बहुत डर लगता है गैस से यार. हाँ. थोड़ा सा गरम करना है पैन. गरम करो पैन को. हाँ. क्या लग रही है भाई? 1 tablespoon of butter. Just swirl the pan so that the butter can coat the pan completely. ये बटर मेल्ट नहीं हो रहा है संजोत. हो जाएगा ना. चालू है ना फ्लेम? ठीक है. अनियंस जो काटे थे, हाँ डाल दे. वो पैन में डाल दो. अरे बढ़िया, ये फेवरेट पार्ट है मेरा. भाई क्या आवाज आ रही है भाई, तेरे यहाँ से आवाज तो नहीं आ रही समझो. आ रही है. टमाटर को भी थोड़ा सा स्टर कर दो. बढ़िया. एंड नाउ तन्मय, ऐड द एग्स इनटू द पैन. एंड हाउ टू पोर इट? फ्रॉम द मिडल और फ्रॉम द साइड? फ्रॉम द मिडल. बस ऐसे बस डाल देना. हाँ, पूरा डाल दो.
थोड़ा सा ऑमलेट को साइड से ऐसे पुल करो बीच में हल्का सा एंड टिल्ट योर पैन टुवर्ड्स दैट साइड, वो जो कच्चा अंडा है वहाँ फ्लो हो जाएगा। समझ गया यार, देखो देखो यूट्यूब करना चाहिए। क्या खाने बनाने का? बहुत बढ़िया बना सकते हो। बड़ा जीनियस आइडिया तन्मय, ये आइडिया मेरे को क्यों नहीं आया अभी तक? आई डोंट नो अबाउट योर ऑमलेट बट माय ऑमलेट इज लाइक, अरे भाई। अच्छा तो ऑमलेट के दूसरी तरफ अगर थोड़ा गोल्डन ब्राउन और थोड़ा डार्क ग्रे टाइप आ गया तो वो मतलब थोड़ा सा जल गया? नहीं नहीं नहीं, जला नहीं है, जला नहीं है, जला नहीं, जला नहीं है, जला नहीं है। अब ये प्लेट के ऊपर ही ऑमलेट को हमें टर्न कर देना है। ज्यादा क्लोज मत ले इसका, थोड़ा दूर से देखा। ठीक है, ऑमलेट्स रेडी तन्मय? ऑमलेट्स रेडी ब्रो। मेरे को जला हुआ थोड़ा अच्छा लगता है एक्चुअली, वो थोड़ा क्रिस्पी होता है। बट ये मसाला ऑमलेट नहीं, बर्नट मसाला ऑमलेट बना दिया है। बट तू ट्राई तो कर। लुक एट दिस प्लेट, ऑमलेट गोल है, ऑमलेट गोल है और ऑमलेट टूटा नहीं है, व्हिच इज लाइक अ बिग चैलेंज इफ यू डोंट कुक रेगुलरली। करेक्ट, एज पर शेफ इट अप स्विच। इट्स प्रीटी गुड, एक मिनट, क्रिस्पी लग रहा है ना? जो जला हुआ है वो टेस्ट में इतना जला हुआ नहीं लग रहा। झूठ बोल रहा है पर ठीक है, एक्सेप्ट। थोड़ा तो लग रहा है, जला है मैंने। सो मसाला ऑमलेट डन, वी गोइंग टू पुट सम एग्स नाउ, लेट्स डू इट। सो फर्स्ट स्विच ऑन द फ्लेम, नाउ यू नो हाउ टू स्विच ऑन द फ्लेम। ये ऑन नहीं हो रहा है, क्लिक होना चाहिए लास्ट में, क्लिक। Yes. द वॉटर शुड नॉट कम टू अ फुल बॉइल, छोटे छोटे बुलबुले आने चाहिए। छोटे छोटे बुलबुले, यस, वेरी साइंटिफिक टर्म, छोटे छोटे बुलबुले। बुलबुले आ रहे, आ रहे, बुलबुले आ रहे। अभी अंडा जो है केयरफुली तोड़ना है, इसका योग टूटना नहीं चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट शुड स्टे इंटैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो पोच्ड एग बनेगा नहीं और अंडे हमारे पास कम है। योग कैसे नहीं टूटेगा यार? देखो मैं बता रहा हूँ, एकदम केयरफुली क्रैक करो एग को प्लेटफॉर्म के ऊपर और फिर एकदम धीरे से अंडे को तोड़ो बोल के अंदर। बोल के अंदर? ओ, एकदम धीरे से, बी वेरी जेंटल, वेरी जेंटल। इससे ज्यादा जेंटल होगा नहीं भाई। टूटा? हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं टूटा, नहीं टूटा। ओह शिट, ओह वाव। ऐड अबाउट 5-6 टेबलस्पून्स ऑफ विनेगर। क्यों? लेकिन विनेगर से क्या होता है पानी? सो व्हाट विनेगर विल डू इज, जो एग का एल्बुमिन है, द व्हाइट पार्ट ऑफ द एग, इट विल कुक इट वेरी क्विकली, इट विल कुक इट फ्रॉम द आउटसाइड। समझ गया। ठीक है, नहीं समझा। बेसिक्स ऑफ वॉर्टेक्स बनाना है पानी के अंदर। क्या बनाना है? साइक्लोन का वॉर्टेक्स होता है। हाँ। तो पानी के अंदर जब भी चम्मच को बीच में से गोल गोल घुमाएंगे। फ्लश वाला वॉर्टेक्स है मेरा, साइंस वाला से घूम रहा है, बन रहा है। अपना एग लो एकदम जल्दी से और एग को बीच में एकदम केयरफुली ड्रॉप कर देना है। ठीक है? ओ वाव, अरे भाई भाई मेरा योग टूटा नहीं अब तक। हाँ, पैन है उसके रिम से पानी को घुमाते रहना है, एग को टच नहीं होना चाहिए स्पून। ब्रो मेरा एग ऐसा थोड़ा जो व्हाइट है वो ऐसा थोड़ा ऐसा थोड़ा फैला हुआ है। पानी को अगर घुमाओगे नहीं तो एग शेप नहीं लेगा भाई। मेरा तो एग वैसे भी शेप नहीं ले रहा है भाई। क्या शेप है अब इस शेप को, क्या नाम दूं मैं? ये बस है एक, कुछ तो नाम दे दो कुछ। अमीबा, अमीबा। यू हैव टू रिमूव द पोच्ड एग, बस पानी को निकलने दो। निकल रहा है। छोटी सी एक प्लेट है। हाँ। वो प्लेट के ऊपर वो पोच्ड एग डाल दो। डाल दूं? हो गया। अरे वो उतर ही नहीं रहा है पोच्ड एग। क्यों? अब वो चिपक गया अभी छन्नी से, अब मैं क्या करूं? तो वापस थोड़ा सा गर्म पानी में डाल दो। तो फिर पानी निकालने का फायदा क्या हुआ? अगर नहीं चिपक गया ना अभी, चिपकता नहीं तो निकल जाना चाहिए था वो। निकलना, निकल नहीं रहा है तो कुछ स्पून वून यूज करके बस तोड़ना नहीं उसको। हाँ, नहीं तो टूट नहीं, अरे निकल गया, निकल गया। टेक अ टोस्टेड मल्टीग्रेन ब्रेड, टेक सम गुआक एंड स्पून इट ऑन टू द ब्रेड और उस पर थोड़ा सा एस्थेटिकली अप्लाई करना है सो दैट इट लुक्स एपेटाइजिंग। सो टेक वन सलामी फर्स्ट, फोल्ड इट इनटू अ सेमी सर्कल, टेक अनदर सलामी वो भी उसके ऊपर, टेक द पोच्ड एग एंड जस्ट स्लाइड इट ऑन सलामी, स्मॉल पिंच ऑफ सॉल्ट ऑन टॉप ऑफ द एग, सम पेपर। ऑटोमेटिकली चालू हो गया तो ऐसा करते ही। 3 or 4 सॉसेजेस जस्ट ऑन द साइड, सम सैलेड ऑन द साइड एंड द सलामी एंड सॉसेजेस आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम बीबी नाउ एंड दे फॉलो 4-step क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस जिससे एकदम हाइजीनिक और क्लीन मीट और एग्स मिलते हैं एंड दे गेट डिलीवर्ड विद इन 15-30 मिनट्स टू योर डोरस्टेप। ये तो बढ़िया बनाया यार। एंड 1, 2, 3 ओह नॉट बैड। डज योर पोच्ड एग लुक लाइक दिस? इट लुक्स बेटर, लेट्स सी। अरे ये है असली पोच्ड एग, लुक एट दैट शिट, लुक हाउ पोस्ट इट इज, दैट सो गुड। पोच्ड एग रियली लुक्स गुड। पक्का पहली बार बनाया? अरे खास पोचिंग हुई है इसकी। परफेक्टली प्लेटेड, नाइसली सीजन्ड, खाने के बाद पता चलेगा। बट वन टेस्ट इज लेफ्ट पोच्ड एग में, व्हेन यू कट द योक, योक शुड फ्लो आउट, योक शुड फ्लो आउट एंड
ओह क्या फ्लोर है, माशाल्लाह मजा ही आ गया, मां कसम परफेक्ट। ओह सो ब्यूटीफुल, सब ताली बजाओ, सारे ताली बजाओ। रियली रियली प्राउड ऑफ यू, टेकन बाय अ सरप्राइज फॉर श्योर। पता चले मेरा ही फ्लो नहीं हो रहा। एंड टू गुड टू वाओ वाओ, दिन भर इसी की सर्जरी करते रहते हैं, इतना मजा आ गया देख के। Tanmay, crushed it, no? You've crushed it, man. Thank you, buddy. Now it's time for the Tanmay Bhatt level omelette, which is a French classic omelette. Voulez-vous coucher avec moi? कुछ नहीं समझ आया। Let's do it, guys. Just listen to me very carefully. This omelette like roughly takes about 1.5 to 2 minutes max to make. Everything happens very quickly. So switch on the flame. So, 3 अंडे बोल के अंदर। बोल के अंदर, oh. Season with salt. And add some chives into it. 1 tablespoon of butter into the pan, and it should start to bubble a little. Okay, bulbule. हाँ, हल्के पुलके बुलबुले. With the sound, I can see your pan's flame is a little on the higher note. So just lower the flame a little bit. From here, it's going to be very quick. Okay, Tanmay? Okay. All right. Add the eggs. You will move your pan with the left hand, okay, front and backwards. And use a fork to scramble the eggs in the pan very quickly. Very quickly. You'll pull off some eggs from the side, if any. Sanjod, ये लग ही नहीं रहा, ये पक ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है मेरे को। तुम्हारी flame देखो कैसी है। Flame, मेरी flame ही बंद हो गई। Flame क्या? Tilt करो pan को। Okay. अपने end से हाँ। जो egg set हुआ है, उसको fold करना चालू करना है। You need to make a semicircle, halfway through. तुम साला ज्योमेट्री क्लास ले रहा है मेरा। तो उसको जब भी कवर करोगे तो वो फोल्ड हो जाएगा। क्या कि कवर करेगा तो फोल्ड हो जाएगा, मतलब क्या कहां से कवर? टिल्ट योर पैन टुवर्ड्स द फ्रंट। ओके, अभी पीछे से जो लिप बना है ऑमलेट का, समझ गया, कर दिया उसको फोल्ड करो। कर दिया हाफ मून बन गया। बन गया। अब आपने टिल्ट करते हुए पकड़े रहना है पैन को। दूसरा हाथ यूज करना है और वो हैंडल के बॉटम पे मारना है। यू हैव टू हिट इट अ लिटिल बिट सो दैट द एग। क्या आप कहाँ मारना है, किसको मारना है? हैंडल को मारना है। हैंडल को क्यों मार रहा हूँ मैं? हैंडल ने क्या किया है? वो जो एग है ना, हाँ, वो आगे शिफ्ट होगा, so that you'll be able to fold it. अरे कर दिया, मैंने फोल्ड कर दिया है। You have to basically take the pan और प्लेटफॉर्म पे ऊपर ऐसे बैंग करो। इससे क्या होगा? इससे ऑमलेट थोड़ा आगे शिफ्ट होगा। अरे ऑमलेट शिफ्ट, ठीक है, रेडी है। अब प्लेट ले लो, हाँ, उसको प्लेट के ऊपर इन्वर्ट करके पलटी करके ऑमलेट को पलटी कर दो। कर दिया मैंने, ठीक है। एंड शेप द ऑमलेट। Shave it. Shape. Oh. Into an almond-like shape. Almond. हाँ. राजमा ना? नहीं. बादाम. बादाम, बादाम. बादाम, बादाम. ठीक है, हो गया? And the omelette should be in the center. इसको बादाम कैसे बनाओ यार? तुमने omelette बनाने बोला था, तुम बादाम बनाने बोल रहे हो। दोनों edges जो हैं वो tapered रहने चाहिए, बीच में थोड़ा सा मोटा रहना चाहिए। Just wipe off any residue on the plate. तुम साला fashion designing सिखा रहे हैं मुझे। थोड़े से chives से इसको garnish कर देना। करते करते सिखाना जो पड़ा, मेरी भी फट गई थी। अरे अब तो तूने देखा नहीं है, अब और फटेगी। ये तो मतलब ये तो नहीं बनाया मुझसे। कौन से एंगल से बादाम जैसे दिख रहा है ये यार? बादाम वाला ही शेप है ना? बादाम वाला, कौन सा बादाम खाता है मुझे देखना है। बट दिस इज व्हाट अ क्लासिक फ्रेंच ऑमलेट लुक्स लाइक। लेट्स सी हाउ तन्मय भट्स वर्जन ऑफ क्लासिक फ्रेंच ऑमलेट लुक्स लाइक। नहीं पर ये इतना बढ़िया बनाया है, देखना क्यों है ये? नहीं देखते, देखना तो नहीं नहीं यार, सब्सक्राइब करो आप चैनल को, देखना तो पड़ेगा। Okay. Let's do this. 3, 2, 1. मेरे घर पे बादाम ऐसे मिलते हैं, अब मैं क्या करूँ? ये ऑमलेट। तो क्या इसको, उसको मार, उसको उल्टा कर, दूसरे हाथ से यहाँ से ये पकड़, फिर उसको, मेरे को समझ में नहीं आ रहा तू क्या बोल रहा था। एक काम करते हैं। हाँ। It takes 1.5 minutes. Let's do it again. Let's do it without the curtain. Flame on. Feels very different without the curtain. 3 eggs into the bowl. Season with salt, some chives, butter into the pan. मेरा butter और तेजी से melt हो रहा है. Eggs go in. यहाँ तक तो मैंने सब कुछ सही किया. हाँ. And now we'll take a deep breath. This motion and this motion. अच्छा, ये करना होता है. You see the egg is curdling. हाँ. And now tilt the pan. Just all the liquid. Push it आगे. Liquid को उस तरफ push करो. We need to fold it. See, like this. Like this. Oh. Oh. Yes. Bas.
बस ये तो मुझे पता था। पिक इट अप, टिल्ट इट एंड इधर हिट करना है इसको। अच्छा, लाइक दिस, सी सी इट्स कमिंग ऊपर। हां तो रहा है। हां, अब फोल्ड करने को इजी होगा, अब समझा मैं। स्विच ऑफ द फ्लेम के इसको ऐसे उठाना है। ऐसे 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 नहीं ऐसे नीचे से ऐसे उठा के सी सी इट्स शिफ्टिंग अहेड एंड इसको ऐसे इन्वर्ट कर देना है। गाइस क्या बदाम लग रहा है अभी। गार्निश इट विद द चाइव्स। इस चक्कर में हुआ ये है, तन्मय को बताते बताते मेरे ऑमलेट ने कलर पकड़ लिया है। हाँ। लेकिन तन्मय का ऑमलेट बराबर बन गया। माय ऑमलेट इज परफेक्ट। अप्लॉज अप्लॉज गाइस अप्लॉज। थैंक यू। सो फाइनली तन्मय, यू हैव बीन एबल टू शेफ इट अप। यस, एंड दिस फिनाले एपिसोड हैज बीन फैब and it couldn't have gotten better if you were not here. Thanks for being here. I had such a good time, and I just want to tell you guys, he truly loves cooking, and he just loves that you guys watch him. Isko bahut bahut khushi milti hai. So please like and subscribe and continue watching. He loves what he does and he loves you guys. Thank you so much. And before we sign off, there's a very important thing left. Correct. Which is the BB Now giveaway contest. Correct. तो गिव अवे में एक लकी व्यूअर को 25,000 रुपए का वाउचर मिलेगा फ्रॉम बीबी नाउ। करेक्ट। एंड यू विल बी एबल टू रिडीम इट वाइल ऑर्डरिंग ग्रोसरीज एंड एनीथिंग फ्रॉम बीबी नाउ। गिव अवे में पार्ट लेना बहुत आसान है। स्टेप वन, इस वीडियो को लाइक कर दो। स्टेप टू, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो कि इस एपिसोड का सबसे फेवरेट मोमेंट आपका कौन सा था। मेरे को पता है क्या मजा आएगा। स्टेप थ्री, आपको बिग बास्केट ऐप डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया है। डाउनलोडिंग द बिग बास्केट ऐप एंड रजिस्टरिंग ऑन इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही प्रोफाइल में आपका 25,000 का वाउचर क्रेडिट होगा इफ यू विन दिस गिव अवे। टेक पार्ट बिफोर द डेडलाइन। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी योर एंट्रीज, और जल्द ही गिव अवे का अनाउंसमेंट हो जाएगा। थैंक्स गाइज, दिस सीजन वॉज अ बैंगर, एंड तन्मय आपने चार चांद लगा दिए हमारे सीरीज टू को। मजा आ गया। Like this video, share this video, subscribe to the channel. See you in the next one. Get your groceries delivered within 15 to 30 minutes from BB Now by Big Basket. Download the Big Basket app now and shop now. Keep cooking. Keep cooking. Hey, see, baane seekh gaye bhai, do teen recipe seekh gaya, zada aa gaya.